सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। बिना साहस के आप इस दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते। साहस दिमाग की महानतम विशेषता है। रिश्ते क्या है ये जानने से अच्छा है अपनापन कितना है ये महसूस कीजिए। आज का पंचांग 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि शाम 5:07 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र रात्रि 12:33 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:29 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर शाम 7:12 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मकर राशि 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार, आज चलते हुए सावधान रहें, हल्की खरोचे आ सकती है। न चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नाराज कर सकते हैं। आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उपयुक्त रहेगा। सिनेमा या किसी और मनोरंजक कार्यकलाप में समय बिता सकते हैं। किसी प्रिय संबंधी द्वारा महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। अगर अपने किसी कमजोरी पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चिंत ही सफलता मिलेगी आपको। आपका आत्मविश्वास और जोश आपके कई कामों को हल करने में सफल रहेगा। विद्यार्थियों का भी पढ़ाई में उचित ध्यान बना रहेगा। हर बात पर विचार करते हुए आप सही फैसला ले पाएंगे। अपने फैसले पर टिके रहने से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन हर तरह की परिस्थिति में जो बातें योग्य है केवल उनका चुनाव किया जाए, इस बात का ध्यान रखें। योजना बनाकर काम करने से पैसों से जुड़ी परेशानी दूर होगी। आर्थिक उतार चढ़ाव का असर काम पर होगा। सतर्कता रखें, पुरानी बातों के बारे में चर्चा न करते हुए पार्टनर के साथ केवल समस्या संबंधित बातों पर ध्यान दें। सेहत में आ रहे बदलाव से चिंता हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कामों में सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटक रहा था तो वह पूरा हो सकता है। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपने कामों में किसी अजनबी से मदद लेने से बचना होगा। सावधानियां, आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए अपना बजट सुनिश्चित करें और खर्चों पर काबू रखें। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखना जरूरी है। उनके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति महसूस होगी। किसी मित्र के साथ विचार विमर्श से समाधान मिल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी समस्याओं को हल करने में जीवन साथी और परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। अगर मौजूदा संबंधों में वो अपनापन आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी अपने मन को सकारात्मक रखें। आपका साथी अपने प्रेम की भावनाओं को उसी तरीके से व्यक्त नहीं कर रहा है जिस तरीके से आप व्यक्त करते हैं। ये समय किसी को चोट पहुँचाए बिना आगे बढ़ने का समय है। आप लोगों से मिलें, समारोह में जाएं और हो सकता है कोई साथी आपको मिल जाए जो आपके दिल को समझेगा। आप विनम्र और कोमल रहें, कुछ आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। बात करते हैं करियर की। अगर कार्य के साथ हर छोटे बिंदु का मूल्यांकन और हर कार्य को पूरा करने के लिए सावधानी बरतना आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपको और अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको अपनी सामान्य कुशल तरीके से इनसे निपटना होगा ताकि ये आपके करियर के अवसरों में आने वाले समय में वृद्धि कर सकें। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन आपको बुद्धिमानी से निवेश और देखभाल के साथ अपने अग्रिम सालों के लिए योजना बनानी होगी। व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसे नए कार्य की शुरुआत को आज स्थगित रखें
तथा वर्तमान कार्य में ही अपना ध्यान केंद्रित करें। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से नुकसान होने की आशंका लग रही है। बात करते हैं सेहत की। आपकी सेहत इस समय बहुत अच्छी है, लेकिन बदलते हुए मौसम से सावधान रहें। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है जो अभी तो शुरुआती स्थिति में ही है, लेकिन अगर आप इसके प्रति लापरवाही बरतेंगे तो यह गंभीर रूप भी ले सकती है। गर्म वातावरण में रहने की कोशिश करें और अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें और गणेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाएं। शुभ रहेगा बहुत। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।